जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया ब्रांच का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं मिष्ठान फूड्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। बेसिकली बात इसलिए होगी क्योंकि हाल ही में कंपनी ने अपना राइट इशू लाने का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी अपने राइट इशू को लेकर आने जा रही है। बेसिकली इस वीडियो में बात इस पर करेंगे कि राइट इशू क्या होता है, हमें इसमें क्यों अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। राइट इशू का संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग लेंगे और साथ में यदि कोई व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मिष्ठान फूड्स के बारे में उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद का सौदा साबित हो सकता है। क्योंकि जो कंपनी काम करती है सिर्फ काम के बेसिस पे ही इतना अच्छा काम है। कंपनी फूड्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग करती है। इसमें देखेंगे तो चावल और गेहूं जैसे पदार्थ की कंपनी प्रोसेसिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करके इसको मार्केट में उतारती है। तो ये एक बेहतरीन क्वालिटी वाला काम है। शायद ही ऐसे तरह के कोई दूसरे स्टॉक्स हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन अगर हैं भी तो ये एक छोटी कंपनी और ग्रोइंग कंपनी जो इस तरीके का काम करती है। इसलिए आगे चलकर इसमें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो फायदे का सौदा साबित हो सकता है। हम लोग आ गए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर और यहाँ पे देखें मिष्ठान फूड्स लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ है। नीचे कॉर्पोरेट एक्शंस में आएंगे तो आपको राइट इशू का डिटेल्स दिखेगा। हालांकि कॉर्पोरेट एक्शंस में जो भी कंपनी अपना एक्शंस करती है कॉर्पोरेट एक्शंस कहलाते हैं, चाहे राइट इशू हो, बोनस हो, डिविडेंड हो, सभी कॉर्पोरेट एक्शंस कहलाते हैं। तो कॉर्पोरेट एक्शंस में देखिए 20 मार्च के डेट को इसका रिकॉर्ड डेट रखा गया था, यानी कि कल के डेट तक जिन लोगों के पास कल के डेट तक इस कंपनी के शेयर्स थे, भले या जो बेच दिए हों, लेकिन कल के पहले तक जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया था और उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स थे, सिर्फ वही व्यक्ति राइट इशू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और उनको ही राइट इशू का जो एक्स्ट्रा शेयर्स होता है जिसको राइट इंटाइटलमेंट कहते हैं, वो शेयर्स जब इशू ओपन होगा, मैं बताऊंगा कब ओपन होगा, तो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। रेशियो के हिसाब से रेशियो भी आगे बताऊंगा। हालांकि जिन लोगों के पास 20 मार्च तक इस कंपनी के शेयर्स नहीं थे, वो राइट इशू में अप्लाई करना चाहते तो राइट इशू का जो शेयर्स होता है उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर आप बाई कर सकते हैं जब इशू ओपन होगा तब, और उसके बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मिष्ठान फूड्स लिमिटेड कंपनी के जो राइट इशू ओपन हुए उसके संपूर्ण डिटेल्स को समझते हैं। राइट इशू जो आपको इशू ओपन होने जा रहा है वो ओपन होने जा रहा है 2 अप्रैल से और ओपन रहेगा 17 अप्रैल तक। यानी कि यदि आपको इस राइट इशू में अप्लाई करना है तो आप 17 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं भी अप्लाई करना चाहते तो आपको जो आरी शेयर्स मिलेगा, जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे आपको राइट इशू में, कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स आपको कंपनी अपने पास देती है, नहीं अप्लाई कीजिए करना चाहेंगे तो इसको आप 17 अप्रैल के डेट तक बेच दीजिएगा। नहीं बेचेंगे तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिलेगा वो जब इशू क्लोज होगा 17 अप्रैल को तो आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएगा। तो इससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। कंपनी राइट इशू में क्या होता है कि बेसिकली कंपनी कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स देती है अपने शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स को यदि हमेशा के लिए उस शेयर्स अपने पास रखना चाहते तो आपको उसमें अप्लाई करना पड़ता है। कैसे अप्लाई करना पड़ता है मैं बताऊंगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति नहीं अप्लाई करना चाहते, कोई जबरदस्ती नहीं है कि अप्लाई करेंगे, नहीं अप्लाई करना चाहते तो इसको आपको बेच देना चाहिए, क्योंकि बेचेंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। और नहीं बेचेंगे 17 अप्रैल तक तो क्या होगा कि आपके डीमैट अकाउंट से वो शेयर फिर जब इशू क्लोज होगा तो गायब हो जाएंगे। अब समझिए यहाँ पे आरी यानी कि राइट इंटाइटलमेंट का जो ट्रेडिंग पीरियड है 2 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया। सॉरी 17 अप्रैल तक तो इशू क्लोज होने का टाइम है, आपको सेल करना है ना। यदि आप अप्लाई नहीं करना चाहते आरी शेयर्स में, आप सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप 17 अप्रैल के पहले यानी कि 14 या 15 अप्रैल तक ही इस जो आ रही शेयर्स है उसको बेच दीजिएगा, क्योंकि ये डेट होता है थोड़ा क्लोजिंग से पहले तक का डेट होता है शेयर्स को सेल करने का। नहीं सेल करेंगे तो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर्स जो आ रही जो शेयर्स है जो एक्स्ट्रा शेयर्स है वो गायब हो जाएंगे। अब समझिए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आरी शेयर्स को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, उनको मार्केट प्राइस में अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस तकरीबन 18-20 रुपये चल रहा है, लेकिन आरी शेयर्स में क्या होता है कंपनी अपने जो राइट इंटाइटलमेंट का शेयर्स होता है वो मार्केट प्राइस से कम भाव पे अपने निवेशकों को देती है। यानी कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा उसको अप्लाई करने के लिए आपको मार्केट भाव नहीं देना रहेगा, आपको सिर्फ 15 रुपये प्रति शेयर्स देने हैं। यानी कि मार्केट में जितना प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस पे आपको इस सारी शेयर्स में अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए आपको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एवरेज प्राइस भी कम हो जाएगा। और जो रेशियो रखा गया है यानी कि किस रेशियो में आरी शेयर्स कंपनी आपको देगी, वो 1:31 का रखा गया है। ये लॉजिक थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ये किस हिसाब से इसने रेशियो सेट किया है। यदि किसी एक व्यक्ति के पास 31 शेयर्स है तो उसको सिर्फ एक आरी शेयर्स मिलेगा। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरह का रेशियो किसी राइट इशू में कंपनी दे रही है। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना कम ज़्यादा गैप नहीं रखना चाहिए था रेशियो का, थोड़ा ये जो है कम रखना चाहिए था। खैर जो भी हो, 31 शेयर्स आपके पास है तो आपको एक शेयर्स मिलेगा, और उसको अप्लाई करने के लिए मैं कैसे अप्लाई करते हैं आगे बताऊंगा। बाकी जो डिटेल्स बताई है अप्लाई करने के लिए, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अब समझिए इसके लिए रिकॉर्ड डेट जो था 20 मार्च को मैंने बता ही दिया आपको, रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट अब एक ही हो गया। अब अलॉटमेंट कब होगा, देखिए अभी इसका अलॉटमेंट का डेट कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो राइट इशू का शेयर्स होता है वो जब इशू क्लोज होता है उससे 10-15 दिनों का समय लगता है आपके डीमैट अकाउंट में आरी शेयर्स को क्रेडिट होने में, और उसके बाद उसमें ट्रेडिंग शुरू होने में और NSE और BSE पर लिस्ट होने में। तो मेन चीज़ है 17 अप्रैल, 17 अप्रैल के 10-15 दिनों के बाद ही आप अप्लाई करते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में आरी शेयर्स जो एक्स्ट्रा शेयर्स हो आएंगे। और यदि मैं फिर कहता हूँ नहीं अप्लाई करना चाहते तो 17 अप्रैल तक जरूर सेल कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, यदि अप्लाई करना चाहते तो कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए आपके पास 2-3 तरीके होते हैं।
एक तो आप कंपनी के जो आरटीए होते हैं, आरटीए की वेबसाइट पर जाके, बीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आरटीए का आपको डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे ईजी प्रोसेस होता है वो नेट बैंकिंग के थ्रू होता है। नेट बैंकिंग किसी भी बैंक का यदि आप यूज़ करते हैं, SBI का यूज़ करते हैं, तो उसका एक योनो एप्लीकेशन आता है। योनो एप्लीकेशन के थ्रू आसबा का जो ऑप्शन आता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक अमाउंट, इसके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपने बैंक से भी बात कर कीजिए कि आसबा का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा नेट बैंकिंग में, और इस राइट इशू में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, राइट इशू बिल्कुल जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए होता है, इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। आप अप्लाई करना चाहें तो जरूर इस राइट इशू में अप्लाई कीजिएगा, नहीं अप्लाई करना चाहते तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिलेंगे उसको आप बेच दीजिएगा। बाकी इस रिलेटेड मन में कोई सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।